अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने होम बेकिंग मतलब स्टार्ट की है, और मैंने बेकिंग का मतलब बिजनेस स्टार्ट किया है, और बेकिंग का रिसेंटली कोर्स भी किया है, प्रोफेशनल बेसिक टू एडवांस। और मैं घर से ही मतलब केक सेल करती हूँ बना के, तो और उसकी जो मतलब ऑर्डर केक की जो वीडियो है वो भी शूट करती हूँ, साथों साथ यूट्यूब पर उसे अपलोड भी करती हूँ। और आप सभी के साथ मतलब इंफॉर्मेटिव नॉलेज वीडियो, डिज़ाइन वीडियो केक की जो भी है, आप सभी के साथ जो मेरे मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज मतलब मैं लेती हूँ वही आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। बट प्रैक्टिस से ही इंसान मतलब सुधरता है, तो मैं बस वही कर रही हूँ। और मैं अपना काम मतलब अच्छी तरह से माशाल्लाह से मेरा काम चल रहा है। और अभी मुझे कुछ दिन मतलब हो गया, 2-4 दिन पहले मुझे ऑर्डर आया, और मतलब ये मार्च की 13 तारीख को ही उनको मतलब केक चाहिए था। और उन्होंने पहले ये नहीं कहा कि मैं इंडियन आर्मी की तरफ से हूँ, शायद कहा भी होगा तो मुझे बच्चे की मतलब हमारे घर में शोर ज़्यादा रहता है तो उतना सुने नहीं आया वो आवाज़। तो मैंने बोली अच्छा ठीक है ना, मैं बना दूँगी, और आपको कहाँ पर चाहिए मैंने पूछी, तो उन्होंने कहा कि नागपुर में ही चाहिए, जैसे कि मैं नागपुर में रहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आपको मिल जाएगा डिलीवरी, वैसे मैं बोली हम होम डिलीवरी देते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं आप होम डिलीवरी मत देना, हम खुद ही आकर लेकर चले जाएंगे। और उन्होंने कहा मेरी बच्ची का बर्थडे है, और वो ना आवाज़ जो है जेंट्स की लग रही थी बट वो थी लेडीज़। मैंने अपने घर में बताई, देखो ऐसी ऐसी बात है करके, और मेरे घर वाले को मतलब कुछ समझ में नहीं आया ये तो बात। और उन्होंने, मैंने कहा कि आपको मतलब कितना केजी का चाहिए, तो उन्होंने कहा 2 केजी चाहिए, 1 किलो पाइनएप्पल चाहिए, 1 किलो चॉकलेट फ्लेवर का चाहिए। और मैंने बोला आपके पास कुछ डिज़ाइन वगैरह है तो आप मुझे सेंड कर दो, तो उन्होंने कहा नहीं आप एक काम करो, बोले आप हमारे इस नंबर पर हाई करके भेजो, और आपकी जो भी फ़ोटोज़ होंगी केक की जो आपने बनाए वो हमें सेंड कर दो। मैंने बोला ठीक है, तो मेरे मैसेज करने के पहले ही उनका मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे, मैं यहाँ का स्क्रीनशॉट दे दूँगी तो आप देख लेना, पढ़ लेना अच्छी तरह से। तो कॉल पर इतनी बात हुई उनकी उनसे मेरी, तो उन्होंने फिर क्या किया, तुरंत ही व्हाट्सएप में मुझे हाई करके और जय हिंद इंडियन आर्मी, और आर्मी गर्ल की फ़ोटो भी थी मतलब उनकी प्रोफाइल डीपी में। तो मैंने सोची चलो ठीक है। और वैसे भी देखिए मतलब मैंने तो ऑर्डर के लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं करी, और मैंने मतलब उसको हल्के में ही ली। क्यों ली, क्योंकि मुझे लगा कि आजकल ना फ्रॉड भी बहुत हो रहा है। तो ये फ्रॉड की वीडियो मैंने रिसेंटली देखी थी, किसकी, गोकुल किचन जो मैडम है ना, तो उन्होंने उनकी वीडियो ये वाली मुझे भी सजेशन मतलब हुई थी, सजेस्ट हुई थी, तो मैंने भी उनका वीडियो पूरा वॉच करी थी कि उनके साथ भी कैसे धोखाधड़ी हुई। तो उनके ही मतलब एक वीडियो ने मुझे बचाया। मतलब अगर मान लीजिए अगर मुझे ये सब कुछ पता नहीं रहता कि ऐसा फ्रॉड भी इंडियन आर्मी के नाम से लोग होम बेकर के साथ करते हैं, तो मैं भी बेवकूफ़ बनती थी, मैं भी 2 किलो का केक बना के उनको ऑर्डर मतलब ये अपना नुकसान कर बैठती थी। बट उनके वीडियो ने ही मुझे बचाया, इसके लिए थैंक यू सो मच गोकुल किचन वाली जो मैम है, मैडम है उनका। तो ऐसा है मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, देखने से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आगे के लिए हम अलर्ट हो जाते हैं। तो बस मैं उनका तो स्पेशल थैंक्स कहूँगी मैम का, नहीं तो कैसा रहता है होम बेकर को मतलब ऑर्डर आया नहीं क्या, हम थोड़े से ये हो जाते हैं कि नहीं हमें ऑर्डर मिल गया है और अभी हमें मतलब केक बनाना है, सेल करना है। एक खुशी होती है ना अलग से, होम बेकर को होती ही है, हर किसी को, मुझे भी होती है, आपको भी होती होंगी अगर आप होम बेकर है। तो बस वही था। फिर उन्होंने व्हाट्सअप में मैंने उनको मैसेज मतलब उनका मैसेज आया तो मैंने भी रिप्लाई दिया, और जय हिंद इंडियन आर्मी लिखा था, तो रिस्पेक्ट तो हर कोई करता है भाई, इंडियन आर्मी वाले है और इंडियन आर्मी वाले होकर अगर आपके साथ इतना बड़ा फ्रॉड करेंगे तो ये कैसा, पता नहीं आजकल क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं फ्रॉडबाजी। और मैंने ना उनको फिर अपने केक की, पाइनएप्पल केक की और चॉकलेट केक की, मैंने बोली ये 1/2 केजी है और इसका ना मैं आपको 1 केजी बना के दे दूँगी। तो मैंने मेरा जो रेट है वही रेट उनको बताया, 600 मैंने उनका चॉकलेट केक का बताया 1 किलो का, मेरा जो यहाँ का जो रेट है मैं उस हिसाब से ही उनको अपना रेट बताई, और 1 केजी पाइनएप्पल केक का मैंने 500 बताया उनको। उन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने बोली देखो आप मुझे
तो उनको मैंने कहा कि आप मुझे एडवांस पेमेंट कर दीजिए, कुछ भी आपके पास जितना जो भी हो आप थोड़ा बहुत मुझे एडवांस दे दीजिए, जिससे आपका ऑर्डर कन्फर्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बोले पेमेंट कहाँ करना है, तो मैंने बोली मेरा यही नंबर जिस पे आपने व्हाट्सअप किया है ना, तो ये गूगल पे से अटैच है, तो आप इसी पे कर दीजिए। तो ठीक है बोले। और उनका कॉल बार बार कॉल आ रहा, और मैं ना ज़्यादातर मतलब कॉल पे किसी से बात करती नहीं हूँ, और मैं उस दिन बिज़ी भी थी। तो मैंने कहा मैं बिज़ी हूँ भाई, आपको जो बोलना है आप व्हाट्सअप पे बोलिए, अगर आपको ऑर्डर करना है तो आपको मतलब एडवांस पेमेंट जो भी है देना होगा, आपको 13 तारीख को केक मिल जाएगा। तो ठीक है, ये बात हो गई। फिर उनके पास उसके बाद में उनका कंटिन्यू मैसेजेस आ रहा है कि ठीक है बोले हमारा ऑर्डर कंफर्म ना। मैं बोली कंफर्म ऐसा नहीं होगा, आप जब तक के एडवांस पेमेंट नहीं करोगे तो मैं कंफर्म नहीं करूँगी, क्योंकि देखिए हम अपने आसपास यानी अड़ोस पड़ोस बस्ती रिश्तेदार जो भी है तो अपने एरिया मतलब, तो उनसे हम बिनफिक्र रहते हैं, क्योंकि हमको पता है हमारा पेमेंट आज नहीं मिलेगा तो हमको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। बट कोई भी नए इंसान पर मैंने भी भरोसा करना सही नहीं समझी, और मेन बात तो मेन रीज़न तो मुझे यही था कि मैंने वीडियो गोकुल किचन वाले मैम की देख ली थी, तो मुझे सारा मतलब नॉलेज था इस चीज़ का। और मेरे घर में बताई तो मैंने घर में बता दी थी कि मैंने देखो ऐसा ऐसा यूट्यूब पर एक मैम का वीडियो था, उनके साथ भी ऐसा धोखाधड़ी हुई थी, मैंने वो देखी थी वो वीडियो, इसलिए मुझे दिमाग मैंने बहुत हल्के में बहुत नॉर्मली ली। और फिर कंटिन्यू उनका मैसेज आ रहा आप पेमेंट कर दो, आप पेमेंट डाल दो। भाई मैंने बोली आपको ऑर्डर आप दे रहे हो तो पेमेंट आप करोगे ना, मैं क्यों करूँगी। तो फिर उनका मैसेज आ रहा आप कॉल उठाओ, पेमेंट आपका ये करेंगे। मैं कॉल नहीं उठा सकती हूँ फिलहाल, मैं बिज़ी हूँ। तो बस इतनी ये सब बात हुई, और उसके बाद देन नंबर अपने आप ऑटोमेटिक ब्लॉक हो गया। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर कहीं ना कहीं वो मतलब व्हाट्सअप की जो बातें हुई थी वो लगा दूंगी, मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग तो नहीं होती, नहीं तो वो भी आपको सुनाई देती थी मैं। तो ऐसा किस्सा मेरे साथ हुआ। तो बस मैं और भी जो होम बेकर है मतलब न्यू बिजनेस स्टार्ट है, सभी को लगता है कि नहीं हमें काम मिल रहा है तो खुशी एक अलग होती है, बट पहले उसे आप अच्छे से जांच लो, समझ लो। अगर बाहर का ऑर्डर है तो मैं तो बाहर के ऑर्डर पर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी, मतलब आपके जान पहचान का नहीं है तो। और ऐसे इंडियन आर्मी के नाम पर बस मैं यही कहूँगी आप लोगों को कि होम बेकर जो है ना बहुत मेहनत करती है, अपना घर अपने बच्चे अपना मतलब अपना घर का काम वगैरह देख कर अपना पैशन या अपना काम जो है वो भी करती है। तो प्लीज़ उनसे इस तरह से मतलब किसी का नुकसान ना कराए, बहुत मेहनत लगती है, बहुत अफोर्ड करना पड़ता है इस काम में भी। ऐसा तो नहीं है कि ये काम से हमारा पूरा घर चल जाता है, घर तो बिल्कुल नहीं चलता है, बस मतलब एक इंसान को बोलते हैं ना सुकून मतलब, और एक काम करने में दिलचस्पी और अपने काम के प्रति जो लगाव होता है बस वही इंसान ये करता है इसमें। तो उनके साथ ऐसा ना करें अगर इंडियन आर्मी में से कोई ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो। और ऊपर से गर्ल्स की फ़ोटो लगी थी इंडियन आर्मी में, जो कि मैं थंबनेल पर लगा दूंगी, आप देख लेना वहीं से, और मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी व्हाट्सएप की जो भी बातें हुई थी हमारी उनके साथ में जो इंडियन आर्मी वाले। मैंने भी जय हिंद कहा अच्छे से उन्हें, क्योंकि रिस्पेक्ट देना चाहिए भाई, आर्मी मैन है। और मैंने कहा चलो कभी कभी होता है ना, कभी हम भी सोचते हैं कि नहीं हमारा सोचना ही गलत होगा, आगे वाला बंदा सही हो, तो इसलिए भाई ऐसा कोई रहे तो मैं तो यही कहूँगी कि आग बन करके भी भरोसा ना करें, मिलेगा हमें ऑर्डर अपने आसपास से, हमारा काम अच्छा है तो हमारे पास खुद ही ऑर्डर आएगा। तो बस यही था मुझे शेयर करना आप सभी के साथ, जो कि मैंने ज़रूरी समझी। और 2 किलो का ऑर्डर अगर केक का मैं भी इस तरह से बना देती और मेरा भी मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता था, क्योंकि अभी मेरा भी रिसेंटली स्टार्ट है और अभी भी मेरा अभी मतलब मेरा बिजनेस छोटा ही है। इंशाल्लाह अगर आप सभी की दुआ सपोर्ट रही, बस आप सब दुआ करिए कि ये भी बढ़ जाए। तो बस यही था मेरा मतलब कुछ ये जो फ्रॉडबाजी का बताने का, जो कि मैंने ज़रूरी समझी, तो मैंने इसे अपने मतलब YouTube फैमिली मेम्बर में शेयर करना ज़रूरी समझी, क्योंकि और भी होम बेकर है जिससे अलर्ट हो जाए इस वीडियो को देखकर, जैसे मैं अलर्ट हुई थी अलर्ट हुई थी मतलब मेरे दिमाग में भी रिसेंटली बत्ती ऐसा मतलब बोलते हैं ना बत्ती जली जो कि गोकुल किचन वाले मैम का जो वीडियो से मेरे भी दिमाग में ये बात थी, इसलिए मैंने स्टेप नहीं उठाई और मैंने तुरंत मतलब हाँ ठीक है मैं बना दूंगी मैं कर दूंगी मैंने ये सब नहीं करी। फ़ोन आया तो मुझे भी लगा, मैं भी थोड़ी सी ये हुई कि भाई बाहर से मुझे अचानक सडनली ऑर्डर आया, थोड़ी देर के लिए मैं भी सोची। और घर वालों ने कहा उनको ये सब बात पता नहीं थी, तो मैंने ही बताई देखो ऐसा ऐसा फ्रॉडबाजी भी होती है, और ये वीडियो मैंने देखी थी इनका ये मैम का ऐसा करके।
तो बस थैंक यू सो मच मैम, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं, आप तक अगर पहुँचे तो, वैसे तो पता नहीं पहुँचना चाहिए, नहीं पहुँचे तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपका मतलब दिल से थैंक यू करती हूँ कि आपकी वीडियो ने ही मुझे बचाई, वरना मैं 13 तारीख का ऑर्डर चलो है करके ना, तो एक दिन पहले से मैं ही तैयारी करती हूँ मतलब केक बनाने की, जैसे शाम से स्टार्ट कर देती हूँ मुझे नेक्स्ट डे अगर केक देना है तो बस मैं बच गई हूँ। तो आप सब भी मतलब बचे, अलर्ट रहे, सतर्क रहे, और ख़ास करके होम बेकर भाई, बहुत मेहनत से हम कमाते हैं, 2 पैसे के लिए हम बहुत सारा अफोर्ट लगाते हैं, करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हर किसी की मेहनत को मतलब आगे वाले ने रिस्पेक्ट करना चाहिए, और इंडियन आर्मी के नाम से प्लीज़ ऐसा झूठ और फ्रॉडबाजी ना करें किसी के साथ भी। चलिए वीडियो बहुत लंबी हो रही है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। तो ये रही देखिए, अभी तो उन्होंने नंबर को ब्लॉक कर दिया है, और कुछ मैसेजेस जो उन्होंने किए ना, फ़ोटो भेजो उसके पास, सारे डिलीट है, देख सकते हैं आप। मैंने चॉकलेट केक और पाइनएप्पल केक, ये इसकी फ़ोटो भेजी और यहाँ प्राइस दिया है, और पाइनएप्पल केक मैंने इनको 550 का बताया था, तो ये देखिए टोटल अमाउंट डालो भेजो, उनका मैसेज बार बार है। मैंने बोली आप भेजो तो पहले आप एडवांस पेमेंट कर दो, मैंने उनको कही। तो ये देखिए पढ़िए आप सारे ही जो मैसेजेस मतलब उनसे और मेरी जो बात हुई, और ये सब कुछ मैंने स्क्रीनशॉट आप सभी के साथ शेयर किया, और वो गर्ल्स जो इंडियन आर्मी की डीपी लगी थी वो भी मैं थंबनेल पर दे दूँगी।